लंदन में रहने वाले 12 साल के बेनियामिन अहमद ने एक ऐसा NFT बनाया है कि जो चंद मिनट में 37 करोड़ की कमाई कर चुका है। एक समर के दौरान बेनियामिन ने वियर्ड वेल समेत दो NFT परियोजनाओं की शुरुआत की, जिससे दो महीने में ही $4 लाख करीब 2.98 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इसी दौरान बेनियामिन अहमद ने बोरिंग केले कंपनी के डेवलपर के साथ मिलकर 8,888 कॉमिक बुक पात्रों का एक NFT कलेक्शन भी बनाया है। ये कलेक्शन 18 सितंबर को लॉन्च हुआ है और केवल 12 मिनट में बिक गया। क्रिप्टो डेटा प्लेटफॉर्म ड्यून एनालिटिक्स के अनुसार अब तक इसमें $5 मिलियन 37 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इस सफलता पर बेनियामिन अहमद ने कहा कि आप वास्तव में कभी नहीं जानते कि आपका प्रोडक्ट कितना लोकप्रिय है जब तक आप उसे जनता के बीच नहीं जाने देते हैं। NFT यूनिक डिजिटल संपत्ति है जिनमें JPEG और वीडियो क्लिप शामिल हैं, जिन्हें एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर पर कोड द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। हर NFT को भौतिक संपत्तियों की तरह ही खरीदा और बेचा जा सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन प्रत्येक के स्वामित्व और वैधता को ट्रैक करने की अनुमति देता है। अहमद ने टीम में एक डेवलपर के रूप में काम किया है। उनका कहना है कि उनकी भूमिका तकनीकी सहायता पर केंद्रित थी, जिसमें परियोजना के डिस्कार्ड समूह में सवालों के जवाब देना शामिल था। उन्होंने प्रोजेक्ट के वेब ऐप और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने में मदद की है। ये वो कोड है जो ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट को पावर देता है। बेनियामिन अहमद केवल 5 साल की उम्र में कोडिंग कर रहे हैं। अहमद ने कहा कि मैं शुरू से ही NFH टीम के साथ मिलकर काम कर रहा हूं। वियर्ड वेल्स कम्युनिटी ने मुझे इस बारे में बहुत कुछ सिखाया है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।